हाय फ्रेंड, फिर से आपका एक बार वाईफाई वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंच गए सबसे पहले कस्टमर पे कंप्लेन करने। देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये मेन गेट है, ये अपना मोबाइल उठाए और ये बैग उठाया मेरा वायरमैन। तो दो लोग होते हैं, एक इंजीनियर एक वायरमैन। ये आ गए, यहाँ पे देखा ऊपर जो वायर था फाइबर, बिल्कुल जो है धूप से ख़राब हो गया है। 2-3 साल से ये हमको लग रहा है ये कनेक्शन चल रहा था। अब इसको ज्वाइंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कई जगह से ये टूट गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा वायर चेंज करेंगे। ये देखिए, थर्ड फ्लोर पे एकदम टॉप पे चल रहा है, बहुत लंबी वायरिंग हुई है। तो हम लोग के पास ब्लैक वायर है, ये पूरा 200 मीटर का बंडल, उसको डालेंगे। सबसे पहले टॉप से हम ले जाएंगे नीचे, जहाँ पे मेरा OTB बॉक्स है। अभी मैं इसको अकेले खोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा वायरमैन गया है नीचे। उसको ये देखिए, यहाँ से गया हुआ वायर यहाँ से सीधा नीचे गया। ये 3 फ्लोर का है, 3 से 4 फ्लोर का। और वो देखिए मेरा वायरमैन जा रहा है सड़क पे। अब उसको आगे वहीं पे OTB लगा हुआ, मेरा OTB बॉक्स, जिससे हमें कनेक्ट करना है। और अब इसको हम नीचे रूट देखते हैं, किधर से गया है ये वायर जा रहा है मेरा। दोस्तों, अगर आप जियो फाइबर कनेक्शन यूज करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या नाम है, कितना आपको कॉस्ट लगेगा या फिर आप कॉस्ट है। दोस्तों, अगर वायर कट है या कुछ भी है, इसमें आपको इंजीनियर को 1 रुपये नहीं देना है या कुछ भी, कोई भी चार्ज नहीं होता है, या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये मैंने देखिए, ये जो है शाफ्ट से होते हुए वायर को, यहाँ से जैसे जैसे मेरी वाइट वाली वायर गई थी जो उसी पे लेके, अब हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे मेरा कनेक्शन लगा हुआ नहीं। ये तब हम इधर क्या करेंगे, कनेक्टर बनाएंगे, इधर कनेक्ट करेंगे। ये मेरा मशीन है, इसे स्प्लाइसिंग मशीन बोलते हैं। यहाँ बनाएंगे, इसको ऑन कर लिए मशीन को। ये कनेक्टर हमारा हीटिंग हो रहा है, यहाँ पे हीट हो गया। अब हमें OTB बॉक्स मेरा जहाँ पे है वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे दे मैं लाइट मारूँगा, अगर वहाँ पे लाइट मुझे मिलेगी। ये देखो, मैंने ये इसको VFL बोलते हैं, यहाँ पे वहाँ पे मैंने इनपुट दिया था। देखिए, अभी यहाँ पे मेरा लाइट देखो आया होगा। ये देखिए, जो मैंने वहाँ पे लाइट मारा था, यहाँ पे आ रहा सिग्नल, यानी मेरा फाइबर ओके है। इससे हम लोग पता लगाते हैं कि मेरा फाइबर चल रहा है नहीं चल रहा। यहाँ पे मैंने बनाया, और देखिए अपने OTB बॉक्स को, अभी इसको प्रॉपर लॉक करेंगे OTB बॉक्स को। OTB बॉक्स लॉक कर दिया, यहाँ पे आया हम लोग, ये पावर, इसे पावर मीटर बोलते हैं। पावर मीटर चेक कर लिए हम, पावर आ रहा 19 का 20 का, यानी सही है। फिर कनेक्टर हम लगा दिए अपने राउटर में, इसको फिर ऑन ऑफ किए, बस हो गया। इसमें मगर करने में 2 घंटे मेरे लग चले जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही जानकारी वीडियो पाते रहिए। ये ग्रीन हो गया, चालू हो गया। धन्यवाद।